Side ball. Ball. This side. Opposite. Ox rush out hi basa गांधरबल के ना तय है कि वजाइन में शॉट शो सच में आज खोता थे यहाँ पे तो बिट्स भी थे ना जी आप जी जी आप इधर सर हाँ तो पता तुम तो कहाँ शॉट ही लाओ हॉकी मैच भी फाइनल करती है मैलन सिंगल्स तो सभी फाइनल मैच आपका होने वाला है क्या तैयारी है उसके लिए बस हम अपना बेस्ट देंगे इंशाल्लाह जीते तो किन के साथ मैच है आपका जो गांधरबल के साथ मैच है तो हॉकी को आप कैसे देखते हैं हॉकी को आप कैसे देखते हैं क्या मतलब कैसे तो हॉकी मैच जो है फीमेल्स कम पार्ट लेती है एज कम्पेयर टू अदर गेम्स तो यू आर इन हॉकी गेम आप हॉकी खेल रहे हो तो कैसे आपको कैसा लगा कैसा फील हो रहा है नहीं सपोर्ट हमें बहुत आता है पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट आता है गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है माशाल्लाह लेकिन हमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए और सेपरेट फीमेल कोचेस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है लेकिन हमें इक्विपमेंट्स नहीं मिल तो प्लेयर्स के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से प्लेयर्स के लिए मैसेज है कि मतलब हमें हारना नहीं चाहिए अगर एक मैच कभी कोई हारता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को गेम्स में आना चाहिए हॉकी में आना चाहिए डिफरेंट गेम्स में आना चाहिए स्पोर्ट्स के फील्ड्स में आना चाहिए क्योंकि इससे हमें स्टडीज में भी बहुत आगे फायदा मिलता है गुड आफ्टरनून मेरा नाम उर्मशा है मैं वैलेंसन स्कूल से हूँ हम यहाँ खेलने आए थे आज हमारा मैच था अभी हमारा एक मैच हो गया है तो हमने वो जीता 4-1 से आप देख सकते हैं मतलब हम खेलते हैं लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है खेलने की लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है सही खेलने का अगर हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा मे बी हम आगे तक जा सकते हैं नॉट इवन नेशनल्स हमने नेशनल्स खेले वो बात नहीं है बट हम मे बी इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट देती है फंड्स नहीं मोस्ट प्रोबेबली हमें कभी कभी फंड्स नहीं मिलते खेलने के लिए तो हमें खुद पे करना पड़ता वो मसला नहीं है कि हम खुद पे नहीं कर सकते बट कोई फैमिली नहीं कर पाती है तो अगर हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मे बी हम आगे और बढ़ पाएंगे तो आपको लगता है कश्मीर में जो टैलेंट अभी है चाहे स्पेशली गर्ल्स की बात करूंगा तो उनमें बहुत सारा टैलेंट है अभी हर किसी फील्ड में गर्ल्स आगे जा रही है तो आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म की कमी है जो फैसिलिटीज यहाँ पे मिलनी होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है नहीं यहाँ फैसिलिटीज किसी किसी स्पोर्ट में मिल रही है मैं नहीं बोलूंगी नहीं मिल रही है फॉर एग्जांपल क्रिकेट स्पेशली फॉर बॉयज यहाँ फैसिलिटीज है कम्पेयर टू द गर्ल्स बहुत मतलब इक्वल लेवल पे चल रहे हैं लेकिन गर्ल्स को वो इक्वल लेवल मिल रही है गर्ल्स टक्कर दे रही है लेकिन उनके लिए वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है लड़कों के लिए फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट आप ले लो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है नेशनल लेवल पे इतना खेला जाता है आप देख रहे हो कि इंडिया की मतलब कश्मीर की टीम भी इतनी आगे जा रही है बहुत अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल रियल कश्मीर आप जानते हो कितना अच्छा खेलता है उनके पास प्लेटफॉर्म है और वो प्लेयर्स भी मतलब पूरा जब उनके पास प्लेटफॉर्म है वो तभी खेल पा रहे हैं बिना प्लेटफॉर्म के तो खेल नहीं पाएंगे फॉर एग्जाम्पल हम भी अच्छा खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्लेयर्स खेलने आ रहे हैं यहाँ पे हॉकी भी मैचेस भी हो रहा है अगर हमें भी ऐसे और प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल हमें टर्फ चाहिए मोस्ट प्रोबेबली हॉकी के लिए कंपल्सरी है टर्फ अब हम मानते हैं हम ग्राउंड पे खेलते हैं लेकिन अगर हमें टर्फ मिलेगा हम और अच्छा खेल पाएंगे फॉर एग्जाम्पल हमें बॉल होती है कभी बाउंस करनी होती है उस ग्राउंड पे नहीं हो पाती है वो बात वो प्रॉब्लम है कभी हिट नहीं मार पाते ग्राउंड इतने बड़े नहीं है स्कूप्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी गेम में तो वो नहीं मार पाते इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए भी ऐसी फैसिलिटीज लाइए जो जम्मू में यहाँ भी होनी चाहिए अभी जो सिचुएशन कश्मीर की सिचुएशन की बात करके जो यहाँ पे माहौल है घर में तो चाहती हूँ जो ट्रू स्पोर्ट्स मैन है वो हालात नहीं देखता वो अपने प्लेटफॉर्म की तरफ कॉन्सेंट्रेशन रखता है वो नहीं सोचता है कि आगे क्या है वो बस चलता है फिर चाहे आगे कुछ भी हो बस चलना है आगे और मैं बोल रही हूँ गर्ल्स को कि
आप लोग जितना हो सके इंडल्ज करो अपने आप को स्पोर्ट्स में, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ऑसम फील्ड. यू कैन जस्ट फ्लाई इन द स्काई विद विद द हेल्प ऑफ दिस फील्ड. थैंक यू. आई एम फिजिकल डायरेक्टर ऑफ पीपल्स कॉलेज और मेरी टीम खेल रही है. मैं हॉकी कोच हूँ बेसिकली और मैं कोचिंग अपनी टीम को करता हूँ. सर कैसा लगा आज जो ये अपने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था तो क्या मैसेज रहेगी इससे और कैसा रेस्पॉन्ड मिला प्लेयर्स सर? बेसिकली हमने ये बेसिकली ये कश्मीर हॉकी अकेडमी ने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया पिछले 2 साल से. काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है और काफ़ी बच्चियाँ हमारी आगे आ रही हैं और पेरेंट्स भी हमें बड़ा सपोर्ट दे रही हैं हॉकी को आगे प्रमोट करने के लिए. तो क्या मैसेज रहेगी आपके प्लेयरों के लिए? हमारी मैसेज यही रही है कि प्लेयरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, आगे खेलें. इसमें अभी कंपटीशन बच्चों का बहुत कम है, इनको बहुत चांस मिलेगा स्कूल नेशनल खेलने के लिए, नेशनल खेलने के लिए, सीनियर नेशनल खेलने के लिए. हमारी यही रिक्वेस्ट है सब बच्चों से और पेरेंट्स से भी कि बच्चों को कम से कम स्पोर्ट्स में लाइए, फिजिकली इनको ज़्यादा फिट रखें. सर अभी प्लेयरों से बात हुई थी हमने, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बोल रही है तो इसको कैसे देखते हैं? सर बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हमारी जो जे एंड के हॉकी एसोसिएशन और जे एंड के स्पोर्ट काउंसिल है, ये गवर्नमेंट का काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनको देना. हमारे पास एक पोलो ग्राउंड है जो हॉकी का एक ग्राउंड है, उसमें अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें टर्फ अनाउंसमेंट की हुई है, पर अनाउंसमेंट करने के बाद भी अभी तक उसमें कोई काम नहीं लग रहा है क्योंकि जब तक हमारे जे एंड के काउंसिल के सेक्रेटरी साहब उसमें इनिशिएटिव नहीं लेते हैं या हमारे एसोसिएशन के लोग उसमें इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तब तक वो काम स्टार्ट नहीं हो सकता. तो अभी क्या मैसेज है आपको प्लेयरों को? हमारी प्लेयरों का यही मैसेज है कि अगर तब तक टर्फ नहीं है मगर आप अपने ग्रासी ग्राउंड पे अपने अपने स्किल को परफेक्ट कीजिए, अपने टेक्निक्स को परफेक्ट कीजिए और कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कुछ समय के बाद यहाँ भी टर्फ आ जाएगा.